सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करें या कितने भी अच्छे इंसान हों, किंतु दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति सदैव आपके दोस्त खोजने में व्यस्त रहते हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। सजग व्यक्ति के लिए जीवन का प्रत्येक अनुभव जीवन से मुक्त होने का मार्ग बन जाता है। आज का पंचांग 1 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:52 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 8:31 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:56 से 4:16 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:54 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 1 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार, इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का कारण हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें। किसी खास से सलाह लेना ना भूलें। ब्रेक लेकर अपने दोस्तों की समूह के साथ खाली समय का आनंद लें। ऐसा लग रहा है कि आज आप पार्टी के मूड में हैं। आपके आसपास का माहौल जीवंत और खुशनुमा है। प्यार जुनून और उत्साह आज के दिन को परिभाषित करने के लिए काफी है। पूरी तरह से इस स्थिति का मजा लें। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई है। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की भी मजबूत नींव पकड़ेगी। इन सबके बीच खुद को तरोताजा और खुश रखना ना भूलें। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं में आपके योगदान और निष्ठा की वजह से आपके मान सम्मान व यश की वृद्धि होगी। आपके व्यक्तिगत कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। काम से संबंधित बातों में आपके कुछ निर्णय असफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन यह आर्थिक नुकसान आपकी क्षमता से अधिक नहीं होगा, इसलिए अधिक चिंता ना करें। परिवार से संबंधित बातों को नजरअंदाज ना करें। व्यापारियों को नुकसान होने की आशंका है। अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ना सीखें। बच्चों को इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन का मामला पक्ष में जा सकता है। तुलनात्मक रूप से दूर की यात्रा हो सकती है। मानसिक उठापटक से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी वरिष्ठ से सचमुच मार्गदर्शन मिल सकता है। अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखें। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। इसकी वजह से आप भी व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच चल रहे तनाव का असर घर के वातावरण पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को संभालने में समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। ऐसे में अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रवृत्ति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। अब स्वाभाविक रूप से
मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर्मी है। बस अपने दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है और आप इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। उसे अपने प्यार की निशानी भी दें। इससे आपके बीच का विश्वास और अंतरंगता बढ़ेगी। आज धन से संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अब वक्त आ गया है पार्टी करने का। आज सारा समय उल्लास और आनंद से भरा है। आपका प्यार और लालसा किसी खास के लिए आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेंगे। आप पूरे जोश में हैं और अपने साथी के साथ नजदीकी का आनंद ले रहे हैं। कामुकता विपरीत लिंग को आकर्षित करने का एक तरीका है। बात करते हैं करियर की। जीवन आपके लिए आज से शानदार कभी नहीं था, क्योंकि व्यापार खरीद या बिक्री के लिए अभी समय बेहतरीन है। आपका करीबी साथी आप पर पूरी तरह से मेहरबान है। अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करके आप लोगों में अलग पहचान बना सकते हैं। धन के नुकसान की भी संभावना, इसीलिए सतर्क रहें। आज का समय आपके लिए शानदार प्रतीत होता है। इस जीवन परिवेश में आप बेहद खुश हैं। प्यार, लालसा और उत्साह, इन तीनों को अपने दिमाग में रखें। खुद के प्रति ईमानदार रहें और हर काम को पूरे दिल व दिमाग से करें। खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा। अवसाद और कठिनाइयां आज आपके कार्य स्थल पर आने के संकेत दे रही है। हालांकि अगर आपने अपने पिछले अनुभव से कुछ सीख ली है तो आप काफी आसानी से इनका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने अतीत से ज्ञान लेना समय की आवश्यकता है। इस चीज का सही समय पर इस्तेमाल आपके करियर को काफी गति दे सकता है। आपको अपने निर्णय जल्दी लेने होंगे ताकि वह प्रभावी रह सके। आज कार्य क्षेत्र में सभी काम व्यवस्थित रूप से भी होते जाएंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भाग दौड़ का नतीजा है, इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज आप खुद के लिए कुछ समय निकालें। आजकल के कार्य और जीवन शैली में भी दबाव और तनाव के कारण हम मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। अपने आप को इन भागते हुए कामों से दूर रखें, अन्यथा आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आप कुछ समय जरूर निकालें ताकि आप दिमाग को शांति दे सके। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।